हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, व्लॉग में। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं मेरा तीज का शॉपिंग। 30 तारीख को हमारा तीज व्रत आने वाला है, हरितालिका तीज। उसके लिए हमें शॉपिंग करनी है, नई साड़ियाँ लेनी है, नई चूड़ियाँ लेनी है। तो चलिए हम आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ और क्या क्या खरीद के लाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता देते हैं कि जो हरितालिका तीज व्रत होती है ना, साल में एक बार होता है और वो भी निर्जला व्रत होता है। मतलब उसमें ना पानी पिया जाता है और ना ही खाया जाता है। टोटली 24 घंटे की ये व्रत होती है और मतलब बहुत ही नियम से इस व्रत को किया जाता है। थोड़ा सा भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इस व्रत में सोया भी नहीं जाता है रात को। और इस व्रत में सबसे खास बात क्या है, शॉपिंग। क्योंकि इस व्रत में ना, जो हम लोग व्रत के दिन कपड़े पहनते हैं, जो भी चीज़ शास्त्रीगार हो, कपड़े हो, हर एक चीज़ एकदम पूरा होना चाहिए। पहले का यूज किया हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता है, यूज किया हुआ श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नए लेते हैं और इसके लिए तो भाई एक्साइटमेंट तो होती है ना, कि साल में 30 पर जितना ज़्यादा मन करे खुल के शॉपिंग करते हैं हम लोग। बात है ज्वेलरी की, तो इस दिन ना, इस व्रत में जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो गोल्ड या सिल्वर की होनी चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ही कम पहना जाता है। यह मान्यता है कि सोने की यदि ज्वेलरी पहना जाए तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस व्रत को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए सोने का ज्वेलरी पहनना चाहिए। वैसे तो आज हमने जो शॉपिंग की है, पूरा कंप्लीट शॉपिंग नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत ही शॉपिंग हुआ है। अभी जो आधा शॉपिंग है ना, वो 30 के एक दिन पहले होगी। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमने क्या क्या खरीदा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा लिंगरिश, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि कोरा कपड़ा ही पहना जाता है, तो आज के दिन हमारा जो लिंगरिश होगा वो भी कोरा ही होगा, पहले का यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमने दो सेट खरीदे हैं, एक है बॉडी केयर का, तो ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और जो प्राइस होते हैं ना वो भी अफोर्डेबल होते हैं। और ये है एक स्किन कंपनी का, जो प्राइस है 580 रुपये, कोम्बो है, ऊपर नीचे का सेट है और इसका प्राइस बॉडी केयर से ज़्यादा है। इसका फैब्रिक हमने देख के लिया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अब हमारा हमने ये दो बुक खरीदे हैं, तीज व्रत का और जितिया व्रत का। मार्केट में बहुत ही आसानी से रोड साइड मिल जाता है, आप भी चाहो तो ले सकते हैं। ये हमने दो डब्बा चूड़ी खरीदे हैं, प्लेन, दोनों ही रेड कलर है। एक तो पूजा में चढ़ाया जाता है और एक खुद पहना जाता है। तो ये हमने दो डब्बा खरीद लिया है प्लेन चूड़ी, और ये सिंदूर और बिंदी जो पूजा में चढ़ाया जाता है। मेरी जो साड़ी है ना, उसका मैचिंग चूड़ी मुझे नहीं मिला, दुकानदार ने बोला कि बाद में आइएगा तो दिखाऊंगा। मतलब कि इस टाइम पे जो चूड़ियाँ आती है ना, पूरा लाल, पीला, नीला, और वो भी जो लाह की चूड़िया होती है और चूड़ा जो होता है स्पेशली, ये इस तरह की चूड़िया आती है। तो मेरे जो साड़ी का मैचिंग था वो नहीं मिल पाया, मुझे जैसा चाहिए था। तो मैंने कुछ
चूड़िया खरीदी है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये है सिल्वर कलर का और टोटली ये सिल्वर ब्रास है। ये बहुत ही मतलब बढ़िया मैं बोलूँगी इसको, ये जल्दी खराब होने वाला नहीं है। और इसमें लगे हुए हैं एडी नग और ये है स्टोन। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसको ना हम चाहें तो इसमें मैचिंग चूड़ी डाल के पहन सकते हैं या फिर सिंगल पीस भी यदि कैरी करें इस तरह से हम। तभी बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये, इसलिए हमने ये सिल्वर वाला ले लिया। मेरे पास सिल्वर कलर का एक भी चूड़ी नहीं था। तो ये बहुत ही खूबसूरत है सिल्वर कलर का, ये व्हाइट स्टोन और छोटे छोटे इसमें एडी नग लगे हुए हैं। इसका प्राइस 350 रुपये पड़ा है। और ये जो दोनों चूड़िया ना, ये रेड कलर की ये कांच की चूड़िया है, इसमें भी एडी नग लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं येलो येलो रेड और सिल्वर, हमने तीन कलर की चूड़िया खरीदी है। मैं जिस पे चाहूँ ये मैच करके पहन सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरत पेयर है ये। जब इसमें हम कलरफुल मेटल डालेंगे या फिर चूड़िया डालेंगे ना, तो बहुत ही एक अच्छा सा पेयर बनेगा, सेट बनेगा। ये रहा हमारा चूड़ियों का कलेक्शन और ये रहा हमारे एक बहुत ही खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज। इससे मैं बहुत तरह के डिजाइन का बाल बना सकती हूँ, अपने हेयर को डिजाइन कर सकती हूँ। तो ये मुझे एकदम सिंपल लगा, बहुत खूबसूरत लगा और इसका प्राइस 250 पड़ा है। यहाँ ना इसका पिन लगाने के लिए दिया है, यहाँ से हम पिन लगाएंगे और बालों में पिन अप करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा हमको। आपको कैसे? अब बारी आती है मेरे साड़ी की। तो मैं बता दूं कि साड़ी मैंने खरीदा है, लेकिन सॉरी गाइस मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि साड़ी वहीं से लेने के बाद मैं वहीं पर उसको पीको हॉल करने के लिए दे चुकी हूँ। जब मैं वापस लेके आऊँगी तो मेरे आप दूसरे व्लॉग में देखोगे, मेरे दूसरे वीडियो में देखोगे मेरे साड़ी का डिजाइन कि कैसा मैंने खरीदा है। लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकती हूँ, हिंट दे सकती हूँ कि मेरा साड़ी कैसा हो सकता है। तो ये रहा साड़ी का ब्लाउज। तो ब्लाउज पीस आपको पता ही है कि साड़ी से डिफरेंट होता है, तो ये साड़ी से डिफरेंट है, बट इसी कलर का मेरा साड़ी है, इसी फैब्रिक का है। ये जो फैब्रिक है ये है अर्गेंजा, अर्गेंजा फैब्रिक है और इस पर इस तरह से पूरा फूल साड़ी वर्क दिया हुआ है। और मैं ये भी बताती हूँ कि मेरे पास इस कलर का साड़ी नहीं था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और साड़ी का जो डिजाइन है ना, उस डिजाइन में भी मुझे बहुत सारा पसंद नहीं आ रहा था, ये कलर भी पसंद आया और इस साड़ी का डिजाइन भी पसंद आया, तो मैंने यही लेना ठीक समझा। अब मैं दिखाती हूँ आपको इस साड़ी पर मैच करने के लिए मैं साइड से खरीदी हूँ एक हॉट पिंक कलर का दुपट्टा, जो मुझे बहुत ही टाइम से लेना था। मेरे पास हॉट पिंक का दुपट्टा नहीं था, हॉट पिंक कलर का, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन ये बाबू मेरा खरीदा है मोर पंख। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ये है मेरा बाबू, मेरा बापू भी मार्केट गया था। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और यदि आप चाहो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हो। बाबू ऐसे मत करो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ सामने देख सकते हैं, सविता लाइव्स करके आप सर्च करोगे तभी आ जाओगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तभी आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको मेरी किस टाइप की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, ब्लॉग या फिर आइडियाज वाली या फिर मेकअप वाली, साड़ी वाली, किस टाइप की। बाय।